तो हेलो एवरीवन, समर आ चुका है। इतनी गर्मी के मौसम में हम सभी परेशान हैं कि सबसे पहले लू से कैसे बचें और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट कैसे रखें। तो अगर बॉडी को डिहाइड्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले तो नंबर वन पर एक ही चीज़ आती है, वाटर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जितना पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना पी सकते हैं, नहीं, उस जितना पी सकते हैं उससे ज़्यादा पिए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप जितना पानी पी सकते हैं, पानी वाले फल खा सकते हैं, पानी वाली चीज़ें खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल पानी ही पिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी गर्मी में हमें लू से बचना है। तो इस वीडियो में मैं आपको, आप बहुत सारे फल वगैरह खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आम, आम का सीज़न चल रहा है, आम चल रहे हैं, तो आप आम का क्या क्या बना सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। फिलहाल ये अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़े खट्टे खट्टे से हैं आम, तो ऐसे ही नहीं खा सकते हम। तो आप इसका मैंगो शेक बना सकते हैं, या फिर आपने आम रस खाया है ऐसे छील के और इसमें चीनी मिला के और फिर मिक्सी में ग्राइंड करके ऐसे ठंडा करके खाते हैं ना, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद। मैं खाली ऐसी चीनी मिला के ग्राइंड करके और ठंडा करके खाओ ना, इतना अच्छा लगता है ना। मे बी आपने ट्राई किया होगा या नहीं, नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है इसको करना। जैसे ये मेरे पास दो आम हैं, आप देख सकते हैं, इसको पहले हम छील लेंगे, छीलने के बाद फिर इनको काट लेंगे, फिर मिक्सी में डाल के चीनी डाल के, ये थोड़े से, ये वाला थोड़ा हरा है, मतलब ये कम मीठा होगा, थोड़ा खट्टा होगा, तो चीनी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। अब कुछ लोग आएंगे शुगर फ्री ये वो, नहीं भाई हम चीनी खा लेते हैं, मुझे तो चीनी अच्छी लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ आम रस कैसे बनाते हैं। पहले मैं इसे छील लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसे धो लेते हैं, मैंने धो लिए थे पहले ही, इसे फ्रिज में रखे थे। तो अब इसे काट लेते हैं, मतलब छील लेते हैं पहले। सिर्फ आपको ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे करके छीलने हैं, पूरा वो नहीं निकालना है, बस इसके ऊपर का छिलका, ठीक है ना, ऐसे करके निकाल देने हैं, ऐसे करके छीलने हैं आपको। अब मैं आपको इसे छील के दिखाती हूँ, थोड़ा सा टाइट है लेकिन छिल जाएगा, कोई बात नहीं। इतनी गर्मी में आप आम खाएं या आप वाटरमेलन, वो तरबूज, क्या तरबूज और खरबूज में ना मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। ये देखिए, ये फिलहाल तो यही अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हैं, खरबूज, तरबूज जो भी है। मुझे तो ऐसा रहता है वो हरा वाला जिसमें पानी रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल वो तो रात ही खा लिया था, फिलहाल ये अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें बीज भी निकलते हैं, मैंने बहुत सारे धोकर रखे भी हैं। तरबूज बोलते हैं, नहीं खरबूज, पता नहीं, मैं इन चीज़ों में ना बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो इतनी गर्मियों में अगर आपका छोटा बेबी है और वो 6 महीने से छोटा है, 6 महीने के नीचे है, तो आप 6 महीने से अगर नीचे है, मतलब छोटा है, तो वो मम्मा का दूध ही पिएगा, उसे मम्मा का दूध ही पिलाए, उसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती कितनी भी गर्मी हो। 6 महीने से नीचे के बेबी को मम्मा का दूध ही होता है सही। अगर आपका बेबी 6 महीने से ऊपर है, मतलब 6 महीने से बड़ा है, तो उसे पानी की नीड होती है, आप थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं उसे। देखिए मैंने आम धो के छील लिए हैं, मतलब जैसे छीलते हैं ना ऊपर, वैसे छील लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको काट लेंगे, इसके पीसेस को, अच्छा थोड़ा टाइट है ये यार, एक तो मेरा हाथ चिपकता है ना, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है मैं हाथ में जा रही हूँ। तो आप ऐसे करके काट लीजिएगा। आज तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, शायद बारिश आए, कल आंधी सी आई थी ना वैसे, हाँ तो भटकते हैं हम आंधी पे, कहाँ आ गए हम, आम रस पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, आपको ऐसे करके इसके स्लाइस कट करने हैं, पूरा इसका मटेरियल निकाल लीजिए। छील के काट के ऐसे इसमें कर लिए हैं। अब मिक्सी के जार में अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी तो नहीं, आम थोड़े हरे हरे थे ना, तो
मैं मुझे मीठा ज़्यादा होगा चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। तो आम रस में ना चीनी की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखें, मतलब आम को पहले आप देख लें किस हिसाब से है, मतलब ज़्यादा हरे तो नहीं है, ज़्यादा वैसे तो नहीं है। मतलब अब शुगर फ्री लोगों के लिए तो आप रहने दीजिए खाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। अब हमने ये पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। ये गर्मियों में आम रस खाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है, आप घर पर ही बनाएं, आम लाए छीले काटे, आप मैंगो शेक बनाए या ऐसे करके बस इसको करके और ठंडा करके आप खाने के साथ खाएं या खाना खाने के बाद खाएं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मतलब मिक्सी में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कर देखिए। तो अब हम इसको करते हैं और देखते हैं, देखिए तो ये देखिए कैसे बना है। आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आम है और चीनी है, लेकिन आप इसे ठंडा करके खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पेट में दिक्कत हो या कुछ हो तो आप बेल का जूस भी पी सकते हैं। पता है आपको बेल पत्थर होता है ना, मेरे ताऊ बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी भी जाननी हो, वैसे तो मेरे ताऊ डेली बनाते हैं, अगर आपको जानना हो कि उसका जूस कैसे बनता है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी डाल दूँगी। मेरे यहाँ तो रोज़ ही बनता है, बस मुझे तो शूट करना है, आप बताइएगा। वो गर्मी में बहुत अच्छा होता है बेल का जूस भी पीना, जैसे लूज मोशन वगैरह लगे ना तो बेल का जूस बहुत फ़ायदेमंद करता है। आप तो घर में बनाकर पी सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो लगती है छीलना काटना निकलना, लेकिन आपको फ्रेश एकदम फ्रेश चीज़ मिलेगी तो क्या ही दिक्कत है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप जो भी करें घर में ही बनाकर करें, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसके बाद जो टेस्ट आता है ना, वाह पूछने वाली बात है। तो ये देखिए कितना सारा भर गया है, आप देख सकते हैं ना, थोड़ा इसका कलर भी डिफरेंट आया है। ये थोड़ा आम थोड़े हरे दिखे ना, और मैंने चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है, तो खाने के बाद इसे फ्रीजर में रखूँगी ना और ठंडा करके चम्मच से खाएंगे आम रस, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप बेल का जूस भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको उसकी रेसिपी भी जानिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी कि आम बेल का रस कैसे बनता है, जिसको बेल पत्थर कहते हैं ना, आप जानते तो होंगे। तो वो तो ये था आम रस। तो इतनी गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखें।